Good evening, students. Welcome to Hindi is Easy. Today, in this video, we are going to see the Bhavarth for this poem. Hope you have seen the previous video, the line by line expression of the lesson, and the reading of the poem. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video, understand the pronunciation, and understand the line by line expression. Here, in this video, I'll show the Bhavarth for the each stanza.

उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है सो हियर द पोएट हैज कंसिडर द भारत मूवी एज द टेम्पल एंड ही हैज़ गिवन द डिटेल्स एंड स्पेशलिटी ऑफ दिस कंट्री नाउ इट्स अ व्याख्या सो यू हैव टू राइट द एक्सप्लेन ऑन योर ओन वर्ड्स यू कैन जस्ट रीड दिस एंड अंडरस्टैंड द की वर्ड्स वॉट पॉइंट्स यू हैव टू राइट फॉर दिस लाइन्स सो इन पंक्तियों में कभी अपने देश को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं कि भारत माता एक ऐसा मंदिर है जिसमें समानता का ही चर्चा होती है यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहीं पर सभी को परम सुखरूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है यानी इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान या समस्या नहीं है कि कौन किस वर्ग का है सभी सम्मान है सभी का स्वागत है और सभी को बराबर सम्मान है सो इन दिस लाइन द पोए डिस्क्राइब्स अ कंट्री एज अ एस ऑफ मदर इंडिया एंड सेज दैट दिस इज़ अ सच्चे टेम्पल ऑफ मदर इंडिया इन विच ऑनली इक्वालिटी इज डिस्कस्ड हियर जेन्यून विशेज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इट इज हियर दैट एवरी वन रिसीव द प्रसाद इन द फॉर्म ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल इज दैट देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैस रिलीजियो सेक्टर दैट इज़ देर इज़ नो सच हिटन्स और प्रॉब्लम इन दिस टेम्पल एज टू हु बिलोंग्स टू विच क्लास ऑल आर इक्वल एवरी वन इज़ वेलकम एवरी वन इज रेस्पेक्टेड इक्वली द नेक्स्ट फोर लाइन्स राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला प्रेम उन्माद यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद बी सेम फ्रॉम विच बुक हु इज द पोएट एंड फ्रॉम विच लेसन द लाइन्स हर बीन टेकन प्रसंग विल भी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टेन्स दी हैव टू गिवे ब्रीफ ऑफ वॉट द पोएट वॉन्स टू कन्वे इन द फोर लाइन्स सो इन द अबव फोर लाइन्स प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गौरव और प्रेम से जीवन व्यतीत करने की बात कही है सो हीस गिवन द डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट कल्चर विच वी फॉलो एंड विच इज आवर प्राउडनेस एंड वी हैव टू लिव आवर लाइफ विद दैप्पीनेस विद लव एंड अफेक्शन सो व्याख्या इन पंक्तियों में कभी अपने देश को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं कि कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो चाहे वह हिंदुओं के इष्ट देवराम हो मुसलमानों के इष्ट रहीम हो चाहे बौद्धों के इष्ट बुद्ध हो या चाहे ईसाइयों के इष्ट ईसा महीन हो यानी इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान है सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है सभी की ही बराबर पूजा की जाती है अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं जिनके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया गया है सभी इस भारत माता के मंदिर के एकत्र हैं अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी देश हो सभी के अपने अपने अलग अलग धर्म अलग अलग संप्रदाय अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग पवित्र स्थल होते हैं किंतु हमारा भारत देश एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी सभी धर्मों को मानने वाला तथा सब संभाव से समझाने वाला है हमारा देश अनेकता में एकता का देश है उन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसे उन्नति कदापि प्रिय नहीं है जो ईर्ष्या से युक्त हो इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग बड़ा पड़ा है यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुखरूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है So one may be follower of any sector, be the Ram, favorite deity of Hindus, Rahim, the favorite of Muslims, Buddha, the favorite of Buddhists or Jesus Christ. That is everyone is given equal respect in this temple. Everyone form is considered equally. Everyone is worshipped equally. The qualities of different cultures through which the essence of the entire world has been accumulated in different forms or all are gathered in this temple of Mother India. That is the entire culture are included in the holy temple of Mother India. What I mean to say is that no matter which country it is, everyone has their own different religion, different sectors, different principles, and different holy places. But our, our country, India, is such a holy place where the resident, every living being, is a follower of all religions and everyone is equal. One who understands with emotions, our country is a country of unity and diversity. In the above lines, the poet is saying that we never like such progress which is full of jealousy. this temple of bharat mata is filled with immense passion for the welfare and love for all here everyone has auspicious welfare and here everyone gets the supreme happiness sab teerthon ka ek teerth yeh hriday pavitra bana le hum aao jahan ajat shatru ban sabko mitra bana le hum रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम सो द संदर्भ बी सेम फ्रॉम विच बुक विच लाइंस हु इज़ द पोएट एंड फ्राम विच लेसन द लाइन हैजन प्रसंग विल भी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों से भारत माता के मंदिर के गुणों को अपने जीवन चरित्र में उतारने की बात की है सो द पोएट हियर हज टोल द पीपल टू अडाप्ट द कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ भारत माता इन देर कैरेक्टर सो इस पंक्तियों में कवि अपने देश को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं कि ये भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है क्योंकि ये किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है यद्यपि इसमें सभी तीर्थ का समावेश है इसलिए इस तीर्थ को तीर्थार्थन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें यह ऐसा पवित्र उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है इसलिए यह बस कर हम सबको अपना मित्र बना लें यहाँ पर रेखाएं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं के चित्रों को उखेर कर उनको साकार रूप देकर हमें अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें अर्थात यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ ईर्ष्या द्वेष लेश मात्र भी नहीं है ऐसे पावन मंदिर में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकने में अपने मानवता को साकार रूप देने में सफल हो पाएंगे कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल कर अपने हृदय में प्रेम का संचार करना चाहिए और इसे पावन बना देना चाहिए पावन हृदय सब तीर्थों से बड़ा है हृदय की पवित्रता और प्रेम के द्वारा ही अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाया जा सकता है हमें अपने मन में प्रेम पवित्रता बंधुता और सद्भावना रूपी रेखाओं से उच्चतम चरित्र रूपी चित्र बनाना चाहिए जिससे हम सबके सामने अपना और अपने देश समाज का आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकें टेम्पल ऑफ भारत माता इज द बेस्ट पिलग्रमेज अमंग ऑल द पिलग्रमेज बिकॉज इट इज नॉट ए प्लग्रमेज एसोसिएटेड विद एनी वन सेक्टर और एनी रीजन although it includes all the places of pilgrimage hence we should make our hearts pure by visiting this place of pilgrimage this is such a holy and good place where no one is anyone's enemy so so by sitting here let us make everyone's our friends here by carving pictures of auspicious and auspicious wishes in the form of lines we can fulfill our feelings by giving them a concrete form that is this temple of mother india is such a holy place where there is not even a uh, jealousy and hatred by settling in such a holy temple we'll be able to make our life peaceful and with the humanity the poet says that we should together infuse love into the hearts and make it pure a pure heart is greater than all places of pilgrimage only through purity of heart and love one can turn one enemies into friends we should create a picture of the highest character in our mind All the the lines of 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 purity, brotherhood, and 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 so that we can present the ideal image ourselves our country and society in front of everyone. ण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ एक साथ मिल बैठ बाट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ सो संदर्भ विल बी सेम प्रसंग अब प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत माता के इस पवित्र सदन में निवास करने वाले सभी लोगों के बीच वास्तविक रिश्ते को उच्चगार किया सो रिलेशनशिप विच वी हैव टू मेंटेन बिटवीन द पीपल अमंग हियर इन दिस कंट्री हैज़ बीन टोल्ड हियर सो इन पंक्तियों में कवि अपने देश को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं कि भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय करते हैं अर्थात यह निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में जय जयकार करते हैं भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को ये प्रमुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसका यह सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें क्योंकि वह भारत माता का मंदिर है इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुखी रूपी प्रसाद भी प्राप्त है कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब भारतवासी एक माँ के संताने हैं और आपस में सभी भाई बहन के सम्मान हैं हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए सो इन दिस होली टेम्पल ऑफ मदर इंडिया क्रोस ऑफ वॉइसेज जॉइन टूगेदर इन शेयरिंग दैट इट्स दैट इज़ ऑल द पीपल लिविंग हीयर चेयर इन वन वॉइस इन दिस होली टेम्पल ऑफ मदर इंडिया एवरी वन इज़ विश फॉदर ऑस्पिशियस वेलफेयर एंड Everyone gets the blessings of supreme happiness here. It means to say that the one who is born in India is fortunate that he has discovered the path of salvation. Everyone should be ready to cooperate with each other because this is the temple of Mother India. It is here that we all have good welfare and it is here that everyone also gets the supreme happiness. So what I mean to say here, the poet wants to convey that we all Indians are children of one mother and we all are like brothers and sisters. We should live together in harmony. And we should help each other. So you can take this for screenshot. So either the expression is known this is just an idea. For so for your easy understanding, I have given the Bhavarth in English also. So you can take the screenshot and read it. Hope this will be helpful for you. So hope you have understood the Bhavarth. If you have any doubt or clarification, you can put in the comment section. Thank you, students.